ऐसे ही सो रहा था, तो सोते सोते अचानक से कॉल आया, फिर मैंने उठाया नहीं, फिर से कॉल आया, मैंने बोला कौन फ़ोन कर रहा है यार इतना सो रहा हो, तो फिर फ़ोन किया तो वो न्यूज़ आया मुझे कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो तुम वेलकम टू द DC फैमिली। तो मैंने अचानक से चौंक गया यार, नींद भी सब चला यार, ऋषभ पंत वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, तो उसके जगह आए हो मतलब, तो मौका मिलेगा तो ज़रूर उसको यूटिलाइज करूँगा, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था खुद को मेंटली फिजिकली जो भी है। पहले क्या होता था, पहले टीवी पे देखता था, अरे दादा बैट कर रहा है, रिकी सब बैट कर रहा है, तो इन लोग को देख के बड़ा बड़ा नाम है सब लोग का, तो यही उसके बाद से जब मैंने सामने से देखा तो कुछ अलग से फीलिंग आया, कांट एक्सप्लेन, कि चलो ठीक है अभी वो पोजीशन में आ गए हो तो इसको यूटिलाइज करना है। पहले तो मैच के पिछले वाला दिन जो नेट्स हुआ था, उसने उस टाइम पे रिकी सर ने बोल दिया था कि बी प्रिपेयर्ड, विल बी प्लेइंग द फर्स्ट गेम टुमारो। तो फिर सर ने पूछा कि टेंस था, हम बोला सर थोड़ा तो टेंस होगा, पहला मैच है IPL का, तो बोला उतना टेंस होने का ज़रूरी नहीं है, जस्ट नॉर्मल योर नेचुरल गेम खेलना। तो उसके बाद वो फीलिंग्स जो कैप का है, तो हमेशा एक मतलब IPL डेब्यू, इतना बड़ा स्टेज पे डेब्यू मेरा हो रहा है, तो वो तो मतलब क्या बोलता है उसको, मतलब कुछ बोलने का मतलब वो शब्द नहीं है, जो एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा है कि इतना अच्छा लगा। फिर टीममेट्स ने तो बहुत बढ़िया ही बोला कि गुड स्टार्ट फॉर द IPL सीजन, फर्स्ट मैच अच्छा स्टार्ट हुआ है, इसको कैरी करना है और ज़्यादा, और गलतियों से सीखना है। अभी बहुत सारे एथलीट्स है, हार्दिक भाई है जो मैं उसको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, लाइक मैं ऐसे ही सोच रहा था कि यार मैं जिसको देखता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो उसका अगेंस्ट में मेरा डेब्यू हो रहा है, उसका साथ में खेलूँगा, फिर उसका कॉट भी है, तो अलग मज़ा है उसका। मैंने जस्ट पूछा भैया को कि क्या करना है, आप जब पहला आपका IPL सीजन था, तो आपका वो जो ये जो क्राउड वगैरह प्रेशर वेशर रहता है, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं आप? उसने बोला कि कुछ चिंता मत करो, जस्ट सिचुएशन मतलब से जहाँ सिचुएशन जहाँ मैटर करता है, सिचुएशन जो मैटर करता है उस पर खेलो, और इतना प्रेशर वेशर मत लो, क्योंकि ये क्राउड वगैरह ये तो होता रहता है, जो खेल के अभी आए हो तो उसको ज़्यादा फोकस करो और सिचुएशन ऊपर खेलो, और कोई भी हेल्प लगेगा तो मुझे ऑफकोर्स कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है।